नमस्कार सत श्री अकाल सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का गॉड ऑफ वॉर 3 रीमास्टर्ड के इस नए पार्ट में। और वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। फिनाले है ये एपिसोड, जितना भी टाइम लगेगा हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पिछली पार्ट में हम लोगों ने ज़ीउस को खूब धोया था, कुत्ते की तरह धोया था। उसने भी थोड़ा बहुत हम लोगों को धोया था, लेकिन हम लोगों को अपनी तलवार जो है मेरे ख्याल से शमशेरे सुलेमानी बोलते हैं उसको, जो भी है शमशेरे सुलेमानी, उसको लेना है। उसके पेट से उसको कोप दिया था हम लोगों ने। अब कुछ बचा नहीं है हम लोगों को लेने के लिए, सिर्फ यहीं पे जाके हम लोगों को R1 प्रेस करना है। और देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या लंबा कट हुआ है इतना, और गाया की लाश भी, उसका दिल भी पड़ा हुआ है वहाँ पर। लेकिन अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ज़ीउस अपना ऐसे आसानी से तो नहीं बनने वाला। डैडी डोंट डू इट। तो अभी भी जान बाकी है बुड्ढे में। सारे हमारे वेपन्स टूट गए हैं, सब कुछ तोड़ डाला उसने। हम लोग नंगे हो गए हैं, जैसा हम लोगों ने शुरुआत किया था वैसे। आई विल बी योर एंड नॉट यू। ओ सारी चीज़ें ले ली वो उसने वापस हम लोगों की वाइटैलिटी, मैजिक और ओ तेरी। हम लोग रेसिस्ट भी नहीं कर पाए। एक्चुअली मुझे सर्कल प्रेस करना था, लेकिन कितना भी कुछ प्रेस करो आपको यही होना है। और ये अफ्रीका का हो गया पूरा। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रहना चाहिए, और स्पेशली ज़ीउस के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमें कल्लू बना देगा। और यहाँ अंधकार ही अंधकार है। कोई आवाज़ आ रही है जहाँ पे हम लोगों को जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे घंटा कुछ नहीं है। दूसरे रास्ते की तरफ जाया जाए, ये थोड़ा भूल भुलैया वाला है एक्चुअली, तो हम लोगों को अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस तरफ से जाया जाए शायद। ओ तेरी, मैं डर गया था। क्या है वहाँ पर, कौन है वहाँ पर? चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, पुस 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 की। ओके, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, लेकिन शायद हम लोग नहीं ले सकते हैं उसको। इस तरफ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी डेड एंड है। ज़ीउस जैसा बाप किसी को नहीं मिलना चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ज़ीउस जो है क्रेटोस का पप्पा है, उसी ने बनाया था एक्चुअली, इसको पैदा नहीं किया था, बनाया था। सॉरी, डेमी गॉड है एक्चुअली, एक तरीके से हम लोग डेमी गॉड है। वहाँ पे कोई दिख रहा है हम। ओ, इसकी बेटी और इसकी बीवी। उसी की आवाज है क्रेटोस की। अगर आपको पता नहीं है तो ये स्टोरी ऐसी है क्रेटोस की कि वो एरिस का गुलाम हो जाता है। एरिस जो पहला गॉड ऑफ वॉर था, फिर उसके बाद वो अपना होश खो बैठता है, उसको पता भी नहीं चलता। वो एक जो विलेज है उस पर अटैक करता है, तो उसको पता भी नहीं चलता कि क्या बोलते हैं, वो अपनी बीवी को मार रहा है करके। एनीवेज, तो हम लोगों को पीछे जाना है, क्योंकि सामने का तो रास्ता बंद हो गया मेरे ख्याल से। और वहाँ पे जो कुछ रखा था शायद से अब एक्टिवेट हो गया होगा। एनीवेज, देखते हैं। उत्तरी ओ ये रहा। अब इसको ले सकते हैं हम लोग, नहीं ले सकते हैं? क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकते हम लोग? कहाँ जाना है? ओके, अभी आगे ही की तरफ ही जाना है। एक्चुअली ये पार्ट जो है ना, मोस्टली सारे स्टोरीज को कनेक्ट करता है, तो बहुत अच्छी बात है वो हमारे लिए एटलीस्ट।
एपिक एंडिंग है, लेकिन कुछ भी कहो इसका। तो खून को फॉलो करते हैं, खून के छींटे हैं बहुत सारे, और पेंडोरा की आवाज़ है। यस, पेंडोरा की आवाज़ है, और यस, ये रास्ता बन रहा है हमारे लिए। वो ब्लू कलर का कुछ फ्लेम दिख रहा है। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ मैं। टेंशन काहे ले रही है तू? ये रही पेंडोरा। तो वहां पे बॉक्स में घुसने के बाद वो यहाँ पे आ गई है। लेकिन जिस तरीके से दिखाया था ऐसा लगा था कि वो मर गई है। बट एनीवेज, हम लोग घूम फिर के उसी पेडेस्टल बोलते हैं शायद इसको, पेडेस्टल उस पे ही आ गया है जहाँ पे हम लोगों को ये लालटेन मिली। वो बुढ़े होते हैं ना चौकीदार, ऐसी लालटेन लेके भूतिया मूवीज में आते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वैसा ही सीन है ये। क्रेटोस दी चौकीदार। अरे इस खून का ट्रेल जो हम लोगों को फॉलो करना है, देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है वो। हमारी बीवी और बच्चे वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो शायद से इस बार। यस, सही बात बोली, बिल्कुल नोट करके रखना चाहिए। एनीवेज, आगे चलते हैं, शायद इन लोग को पप्पी जप्पी दे रहे हैं। यस, तो फाइनली क्रेटोन्स ने अपने आप को माफ कर दिया है, और उसके लाइफ में जो अंधकार था, अंधेरा था, वो उसने दूर कर लिया है। मतलब कि होपफुली अब हम लोग ज्यूस को मार सकते हैं अंधेरा दूर करने के बाद। कुछ भी कहो, लेकिन जो कैरेक्टर बनाया है ना इन्होंने, काबिले तारीफ है। ओ तेरी इकाओ इकावा, ये कौन लड़ाई कर रहा है? अच्छा, क्रेटोस ही है, क्रेटोस और अथीना। ये मेरे ख्याल से उसने सेकंड पार्ट में इसको मारा रहता है, बाय मिस्टेक मर जाती है, बट क्या बोलेंगे अभी इसको। ये कुछ बोल रही है, कुछ बोल रही है, कुछ बोल रही है, वो अभी तक जिंदा ही है। क्या हुई गवाह? इसका एलईडी लगाओ और डार्कनेस दूर करो, टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। सब कोई चलते जा रहे हैं भाई, सबका क्रियाक्रम हो रहा है। फिर से आ गई पेंडोरा, ओवर हियर कर रही है। तो फाइनली हम लोग को यहाँ से कूद जाना है या ऐसा कुछ है, पता नहीं चल रहा। बहुत एपिक सीन है, लेकिन कुछ भी कहो। वो क्या दिख रहा है, वो पोर्टल के जैसा? ओ तेरी अथीना है। ये फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने तलवार यूज़ किया, वो वाला सीन है। सीरियसली, वो वही वाला सीन है, वो जो बड़ा सा सॉर्ड था अपना। हम लोग एक्चुअली क्या है, पेंडोरा का बॉक्स खोले थे फर्स्ट पार्ट में, जिससे हम लोगों को एक तलवार मिली थी, और ये डायरेक्टली फर्स्ट फर्स्ट सीन जो था इस गॉड ऑफ वॉर 3 का, तो वहीं पे आ गए। ओके, होली है। कोई पेंडोरा का होर नहीं बलेगा, उसकी चड्डी भले गीली हो जाती है, लेकिन एनीवेज हम लोगों को अभी भी अपना डार्कनेस जो है, खून जो है अपना साफ करना है।
और आगे नहीं जा सकते हम लोग। इतना हल्ला क्यों हो रहा है? मच्छी बाजार में क्या हम लोग? ओके तो फाइनली हम लोगों ने अपना डार्कनेस क्लियर कर लिया है। ओके अब सिर्फ भागना है हम लोगों को पेंडोरा के पीछे। किधर गई तू? ओके सिर्फ जाते ही जाना है हम लोगों को। ओके हम लोग वही सीन में पहुंच गए जब हम लोगों को ज्यूस ने यहाँ पर भेजा था अंधकार में। नहीं पापा आप मुझे नहीं मार सकते। उसके ना ज्यूस के ना बाल ना सफेद हो गए इसलिए वो डाई डाई मांग रहा है। केस काला या केस कांति लगाना चाहिए उसको पतंजलि को। पहुंचने वाले हैं बस हम लोग। थोड़ा नहाने का मज़ा किया। अरे इसकी इसका जो रेड कलर का वो था वो धुल गया एक्चुअली। रेड इसका जो बैंड था इसके शरीर में रेड कलर का टैटू के जैसा था पूरा लपटा हुआ, वो अभी वाइट के जैसा हो गया है या फिर ये मेरे ख्याल से यहाँ पे है इसलिए दिख रहा है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था जब फर्स्ट पार्ट खेला था। यस पेंडोरा का बॉक्स हम लोग खोलने वाले हैं और ये इस बार मेरे ख्याल से रियल पेंडोरा बॉक्स रहेगा। देख रहे हो चलने का स्टाइल तो देखो लौंडे का। पावर टू किल अ गॉड। यस फाइनली हम लोग फिर से पावरफुल हो गए हैं। अब सी उसकी तो माँ बहन होने वाली है। जितने लोगों को मारा है सब कुछ दिखा रहा है इसमें। Makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. बात तो सही की है लेकिन पेंडोरा ने छोटी होके भी बहुत बड़ी बात कह दी उसने। एनीवेज तो हम लोगों के पास पावर आ गया है। अब धुलाई करनी है हम लोगों की, हम लोगों को क्रेटोस की। चल बेटा अब आ जा, पावर है मेरे पास। यस केओस ब्लेड भी आ गया। को हम लोग को हाथ भी नहीं लगा पा रहा है। अच्छा मारना है मुझे? ओ कोई बटन नहीं दिया था तो मुझे लगा कि ओ तेरी। लेटे लेटे ही हम लोग फेल दिए इसको। ओ हो ट्राइंगल से मारेगा। यस ओह फिर से वही वाला शॉट मारते हैं हम लोग उछल के। यस ले ओ तेरी। फर्स्ट पर्सन व्यू में बहुत सही लगता है यार गॉड ऑफ वॉर। इनको फर्स्ट पर्सन व्यू भी देना चाहिए था। ये तो फेंक दे भाई फेंक दे। यस इसके लिए अपने हाथ ही काफी है। आ जा बुड्ढे। गया उसके उसके चेहरे से क्या निकला काला काला। ओ तेरी ओ ब्रूटल। इतना लेकिन कि सही में किसी को मारो तो उसका तो ओ तेरी। ओ शिट तो गलत बात है यार, बुजुर्ग आदमी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। ओ शिट हो देख रहा हूँ स्क्रीन में खून फेंका रहा है एकदम जैसे रियल होता है ना। ओ कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, किसको मार रहा हूँ, क्या मार रहा है, कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ओ, ले ले तो पूरा ही ढक गया। रेट्रीब्यूशन हम लोगों को नई ट्रॉफी मिली रेट्रीब्यूशन के नाम से। कम ऑन अब बंद करेगा मार, छोड़ दूं क्या? छोड़ना है बंद करना है क्या करना है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। छोड़ देता हूँ। छोड़ देना था हम लोगों को। फाइनली
ज्यूस की सफाई हो गई, अब बूढ़े की आत्मा को शांति मिलेगी शायद, और सब कुछ क्लियर भी हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। ओह शिट, एपिक सीन था कुछ भी कहो। अभी भी क्लाउड्स है, रीमास्टर ये लोगों ने बहुत अच्छा किया एक्चुअली देखा जाए। ये भी कमी नहीं रहती एक हद तक, उसको पावर चाहिए रहता है। Go if you must. But first, I insist you give me the power from inside the box. The box was empty. That can't be true. I can see it in your eyes. तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा है, पप्पी दो मुझे। You still have it as we speak. Don't you understand? God of War 4 में तो मजा ही आ जाएगा। Place them in the box. I dreaded what would happen if it was opened again. And so, I summoned the most powerful weapon in the world, and I placed it in the box. ये पूरा बैक स्टोरी बता रहा है, फर्स्ट पार्ट से लेकर जब हम लोगों ने पहली बार पैंडोरा का बॉक्स खोला था। I told you, it was empty. Sacrificed in vain. She died because of my need for vengeance. You must be mistaken. You used my power to kill Zeus. I saw you do. Unless, of course, when you open the box, you release the evils to the gods. Infected them. Okay, तो हम लोगों ने बॉक्स खोला तो ज्यूस यूज सारे जितने भी गॉड्स थे वो लोग चेंज हो गए थे। This is why he became so enraged and obsessed with your death. He was consumed by the evil fear. I thought the power I placed in the box was never released. All these years I assumed you drew from the evils inside to destroy Ares. But I was wrong. तो हम लोगों ने जब फर्स्ट बार ये बॉक्स खोला था तब से हमारे पास पावर है, ऐसा बता रही है। Power you took from the box is mine. From it you gained the strength that Zeus could never destroy. A strength great enough to overcome fear. Locked deep inside of you, Kratos, is hope. It has remained buried. Trapped by your guilt and the failures of your past. When you killed Zeus, you must have allowed something to awaken it. What was it, Kratos? Hope is what makes us strong. It is why Dora ne hum logo ko change kar diya. It is what we fight with when all else is lost. Tu pehle ye bata teri chaddi sukhi ki nahi. What was it, Kratos? All I remember is what I have lost. That is why you should give me the power. I understand its true meaning and where it belongs. I trust you to do the right thing. Maska laga rahi usko. You owe me this, Kratos. I owe you nothing. I made you a god. I sheltered you from the wrath of Olympus. I delivered your revenge on Zeus. It is over, Athena. You would dare strike me down again? My vengeance ends now. Kratos, no! Yeah, le budhiya. इसको थोड़ा देर परेशान करते हैं। देख रहे हैं उसको चेंज हो रहा है।
जैसे उठाता हूँ वो लैप। छोड़, अभी देते हैं इसको। एक दबाना क्या है, दबाना क्या है, दबाना क्या है हम लोगों को देख रहे हो कैसे देख रहे हैं एक दूसरे को ओ तेरी, मुझे करना क्या? करना क्या है मुझे? स्क्वायर से काम नहीं करता, सर्कल भी कुछ नहीं कर रहा है। ओके, ट्रायंगल से हम लोगों ने चार्ज किया, ट्रायंगल से चार्ज, यस। अब तो नहीं दिखा रहा है कुछ भी, यस ओके। तो थोड़ा देर झुझकाना था हम लोगों को, क्रेटोस ने अपनी कुर्बानी दे दी है। तेरा शरीर नहीं है, तू क्या राज करेगी, आत्मा है तू। तो सारे इवेल्स को क्लियर करने के लिए क्रेटोस ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। बहुत अच्छा आदमी था वैसे, बहुत लोगों को मारा, बहुत लोग का कुछ कुछ काट दिया, लेकिन फिर भी से तुझे जैसे खूब पता है ना। चुप कर बढ़िया। छेद हो गया हमारे शरीर में, शिट। ओ भाई साहब, एक्चुअल छेद हो गया, मुझे लगा था दिखाएगा नहीं करके। तो क्रेटोस की कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। तो फाइनली जो है अपना ये कंप्लीट हो गया है, बट इस कट सीन के बाद हम लोगों को एक और एंड क्रेडिट सीन दिखाएगा, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला है, जो कि गॉड ऑफ वॉर 4 के लिए तैयार करता है हम लोगों को। और मैं इसको बंद कर सकता हूँ क्या? एक सेकंड, क्लिप में चलने देता हूँ। आई थिंक 1-2 मिनट का ही है, इसको फास्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? प्रेस तो कर रहा हूँ मैं सारे बटन्स, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेचारों ने इतना मेहनत करके बनाया, तो भाई तुम तो एटलीस्ट 1-2 मिनट देख सकते हो, या फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो आगे के सीन के लिए, वो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। बट एनीवेज दोस्तों, मुझे लगता है कि बताओ आप लोगों को मज़ा आया होगा काफ़ी गॉड ऑफ वॉर 3। मुझे पता है कि हर किसी के पास PS4 नहीं होता इंडिया में, तो हर कोई इसे खेल नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट मेरे वॉक थ्रू के थ्रू आपको पता चल गया हो कि गेम कैसा है, इसकी स्टोरी क्या है, कैसी है। मैं चाहता हूँ कि इसके और भी पार्ट्स खेलूँ, लेकिन अभी जो है PlayStation 4 पे अवेलेबल नहीं है। सारे पार्ट्स जो है PlayStation 3 पे अवेलेबल है। तो आप, अगर आपके पास PlayStation 3 का जुगाड़ हो जाता है कहीं से, तो आप इस गेम को खेल सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से रीमास्टर्ड वर्शंस ये लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि रीमास्टर्ड वर्शन लॉन्च होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ये लोग इसमें बिजी हो गए। गॉड ऑफ वॉर 4 जो नहीं आने वाली है, और उसके ग्राफिक्स देख के, बाप रे, सीरियसली उसके ग्राफिक्स देख के ऐसा लगता है कि वो एक नंबर की हिट हिट होने वाली है गेम, क्योंकि मेरे ख्याल से इसको 3 को भी 10 out of 10 मिला था रेटिंग, गेम प्ले और स्टोरी के हिसाब से। एनीवेज, तो म्यूजिक व्यूजिक भाई लोग को दिखा रहा है। और ऐसे मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे एक्शन गेम्स खेले अपन,
जो जिसकी स्टोरी लीनियर हो, मतलब एकदम ओपन वर्ल्ड नहीं, एकदम लीनियर स्टोरी हो कि भाई तुमको यहाँ जाना है, यही करना है और यहाँ से यहाँ उठा के लेना। रेसिडेंट ईविल 7 मैं शायद नहीं खेल पाऊँगा, क्योंकि रेसिडेंट ईविल 7 थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हॉरर गेम्स मुझे बहुत डरा देते हैं, मुझे बहुत सपना आता है। एक्चुअली बचपन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके कारण मैं हॉरर गेम्स नहीं खेल पाता, मैं देख भी नहीं पाता एक्चुअली। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता है कि उस गेम में है एक्चुअली क्या और कैसा है वो गेम। नहीं तो जनरली मैं अगर कोई गेम नहीं खेल पाता तो क्या करता हूँ कि मैं उसके वॉक थ्रूज देख लेता हूँ, उससे पता चल जाता है कि भाई स्टोरी क्या है, गेम प्ले कैसा है, और अगर एकदम से पसंद आई मुझे वो गेम तो मैं उसे खरीद लेता हूँ। एनीवेज तो ये चलते रहेगा मेरे ख्याल से 1-2 मिनट और। एनीवेज आप लोग की तरफ से भी सजेशन आना चाहिए यार, कमेंट्स में आप लोग बताते नहीं हो कि क्या खेलना चाहिए, वो खेलना चाहिए, ये खेलना चाहिए करके। माइनक्राफ्ट वाले तो ठीक है, चलो माइनक्राफ्ट तो लोगों को पसंद आती है तो वो लोग कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वही और एक्शन। मैं क्या चाहता हूँ कि हर दिन एक माइनक्राफ्ट का वीडियो हो और एक एक्शन गेम का वीडियो हो। मुझे पता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, और क्या बोलते हैं, ये करना मेरे लिए एटलीस्ट फिलहाल के लिए इतना फुल स्केल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अपने जॉब को भी संभालना पड़ता है, फिर घर को भी संभालना पड़ता है, और मैं 3-3 घंटे 2 वीडियो के लिए नहीं दे सकता, मतलब टोटल 1.5 1.5 घंटे मैं एक एक वीडियो के लिए नहीं दे सकता। वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है, लेकिन अभी मेरा काम कम है करके जो वीडियोस का फ्लो है वो अभी ठीक ठाक है, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं कभी कभी कोशिश करूँगा कि मैं संडेज़ को भी 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करके रखूँ, फिर उनको शेड्यूल कर दूँ। लेकिन वही है कि संडेज़ में एक्चुअली मेरे घर में 25-26 लोग रहते हैं, तो मुझे दिक्कत हो जाती है कि हर एक टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग कभी बालकनी में बैठते हैं तो हल्ला गुल्ला, फिर बच्चे भी हैं मेरे घर में, हम लोग की पूरी जॉइंट फैमिली है, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं मिल पाता, जनरली मुझे दोपहर में आधा घंटा 1 घंटा मिल जाता है, या फिर रात में 10 बजे के बाद मुझे टाइम मिलता है तब मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। देखते हैं, बस बहुत सारे प्लान्स मैंने अपने दिमाग में रखे हुए हैं इस चैनल के लिए, जो कि धीरे धीरे हम लोगों को वो करना है, अप्लाई करना है। बट एनीवेज उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो कम बैक है आप लोगों को पसंद आ रहा है, और यार प्लीज़ लाइक्स में वो मत करो यार आलस, क्योंकि लाइक्स के कारण ही पता हूँ हर एक चैनल जो है चलता है। कोई भी कितना भी बोले भाई कि मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी भी चैनल को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो चाहिए तो लाइक्स ही है, क्योंकि उससे फिर वीडियो की रेटिंग बढ़ती है और फिर वीडियो ऊपर आता है कोई भी अगर सर्च करता है तो। एनीवेज अरे ये बैटमैन कैसे दिख रहा है यहाँ पर, वो बैटमैन नहीं है, डेविल है। फर्स्ट पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस, यस। पर क्या घर वाले, चाचा मामा भांजा सबका ये लोग क्रेडिट्स दिखा रहे हैं क्या? कुछ भी कहो लेकिन सोनी वालों का जो म्यूजिक का सेंस रहता है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक का, वो काफी अच्छा होता है जनरली, तो मैंने ऐसा देखा है। अनचार्टेड अनचार्टेड हो गया, गॉड ऑफ वॉर के हर गेम में एपिक म्यूजिक है, वो लोग कंजूसी नहीं करते एक्चुअली म्यूजिक के मामले में। ऑडियो दिखा दिया, ऑडियो के क्रेडिट्स दिखा दिए, मतलब कि अभी खत्म होने वाला है, बट एनीवेज एंजॉय करो। कभी कभी क्रेडिट्स भी देखना चाहिए, क्रेडिट्स देखने से पढ़ना लिखना ठीक हो जाता है लोगों का। क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं ना, क्या बकवास कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट पार्टी क्वालिटी अश्योरेंस जापान, फिर भी लेकिन मतलब मैं इतने महीने गायब होने के बाद वापस आया, उसके बाद भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मतलब अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा एक्चुअली डर था कि मुझे
यार अपना YouTube चैनल कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं अपने शेड्यूल के साथ वो नहीं कर पा रहा हूँ। और क्या होता है कि आप अगर 1-2 महीने तक वीडियोस डालोगे फिर अचानक से गायब हो जाओगे, फिर लोगों का क्या है भरोसा उड़ जाता है कि भाई ये चैनल पे सब्सक्राइब करके कोई मतलब नहीं है, बंदा कुछ काम वाम करता तो है नहीं, कोई वीडियोज़ डालता तो है नहीं, तो हम लोग क्यों रुके रहे हैं यहाँ पर। बट वही है, मेरी भी प्रॉब्लम थोड़ी समझो। मैं बाकी बाकी दो चार जो इंडियन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि वो लोग फुल टाइम घुसे हुए हैं इसी में, मुझे अपना घर चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। एनीवेज, तो फाइनल सीन ये था कि क्रेटोस वहाँ पे है नहीं और उसके खून के छींटे हैं और उसने नदी की तरफ छलांग लगा दी। आगे जो गॉड ऑफ वॉर 4 बनने वाला है उसमें स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ वो सब। तो एनीवेज दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो, और अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और शेयर कीजिए आप अगर नए हो या सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो भी, से अच्छी बात है, भगवान आपको बहुत लंबा चौड़ा देगा उम्र और कुछ नहीं। तो एनीवेज दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और मैं अभी बोलना बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत बोलता हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। अरे वैसे दोस्तों, हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया नॉर्मल मोड में अपना गेम प्ले, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट गेम में जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और उम्मीद करता हूँ कि इंडिया के बहुत सारे जो गेमर्स हैं उनको पसंद आएगी। अरे वैसे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट गेम में, धन्यवाद।